बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बेसिक इलेक्ट्रिकल का आज का ये दूसरा लेक्चर है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सर्किट्स। बेसिकली सर्किट की दो ही इकसाम हैं, सीरीज और पैरेलल। ये है टू वे स्विच। इसके तीन टर्मिनल्स होते हैं, L1 कॉमन और L2। ये टू वे स्विच का सैम्बल है। L1 टर्मिनल कॉमन के साथ नॉर्मली क्लोज है और L2 टर्मिनल कॉमन के साथ नॉर्मली ओपन है। टू वे स्विच को इस्तेमाल कैसे करते हैं और इसके ज़रिए लॉजिक कैसे बनाई जाती है, जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ये हमारा नॉर्मल स्विच है जो कि हम अपने घरों में यूज़ करते हैं। इसके दो टर्मिनल्स होते हैं, एक टर्मिनल पर हम फेस देते हैं और दूसरे टर्मिनल पर हम लोड लगाते हैं। ये इसका बैक साइड और फ्रंट साइड और इसका सैम्बल है। ये बेल स्विच है जो कि हम डोर बेल पर लगाते हैं। ये इसका सैम्बल और इसकी इमेज है। ये स्विच स्प्रिंग लोडेड होता है। ये सॉकेट है, ये इसका फ्रंट व्यू है। इसमें दो टर्मिनल होते हैं। सॉकेट पर एक टर्मिनल पे हमेशा न्यूट्रल दिया जाता है और दूसरे टर्मिनल पर फेज आता है जो कि स्विच से कंट्रोल होता है। और ये सॉकेट का सैम्बल है। ये लैम्प की इमेज और लैम्प का सैम्बल है। ये फैन के डीमर का सैम्बल है और ये डीमर की इमेज है। सीरीज सर्किट ऐसा सर्किट जिसमें एक से ज्यादा कंपोनेंट इस्तेमाल हो रहे हों और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने का एक ही रास्ता हो, उसे सीरीज सर्किट कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये सिंगल फेस 220 वोल्ट है, इसके साथ हमने एक एम्पेयर मीटर सीरीज में लगाया हुआ है जो कि इस पूरे सर्किट का लोड मेजर करेगा। एम्पेयर मीटर के बाद एक स्विच लगाया हुआ है और स्विच के बाद एक और एम्पेयर मीटर लगाया हुआ है जो कि इन दोनों लैंप का लोड मेजर करेगा। ये है लैंप नंबर 1 और ये है लैंप नंबर 2। इन दोनों लैंप के एक एक टर्मिनल आपस में अटैच हुए हुए हैं और एक टर्मिनल पे न्यूट्रल दिया हुआ है और दूसरे टर्मिनल पर फेज आ रहा है स्विच से कंट्रोल होकर। ये एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है जो कि इस लैंप के अक्रॉस वोल्टेज को मेजर करेगा। ये सेकेंड वोल्ट मीटर लगा हुआ है जो कि इस लैंप के अक्रॉस वोल्टेज को मेजर करेगा। और ये एम्पेयर मीटर दूसरे लैंप का लोड मेजर करेगा। ये सीरीज सर्किट कहलाएगा। सीरीज में वोल्टेज डिवाइड हो जाते हैं और करंट सेम रहता है। चलिए इस सर्किट को सिमुलेट करते हैं और चेक करते हैं कि इस सर्किट का क्या बिहेवियर है। ये हमने स्विच ऑन कर दिया। आप देख सकते हैं कि इस सर्किट का टोटल लोड यानी कि टोटल करंट 0.1 एम्पेयर है। ये एम्पेयर मीटर इन दोनों लैंप का लोड बता रहा है जो कि 0.1 एम्पेयर है। अगर हम सेकंड लैंप का लोड चेक करें तो वो भी 0.1 एम्पेयर है। इस सर्किट में हर पॉइंट पर सेम करंट आ रहा है जो कि 0.1 एम्पेयर है। अब इन दोनों लैंप के वोल्टेजेस चेक कर लेते हैं। लैंप नंबर 1 पर 110 वोल्ट आ रहे हैं और लैंप नंबर 2 पर भी 110 वोल्ट आ रहे हैं। ये था हमारा सीरीज सर्किट। पैरेलल सर्किट इस सर्किट में मुख्तलिफ रस्तों से करंट फ्लो हो सकता है और इस सर्किट में वोल्टेज सेम रहते हैं। ये हमारा पैरेलल सर्किट है। इसमें हमने 3 एम्पेयर मीटर यूज़ करे हैं। एक एम्पेयर मीटर पूरे सर्किट का करंट मेजर करेगा, दूसरा एम्पेयर मीटर लैंप नंबर 1 का करंट मेजर करेगा और तीसरा एम्पेयर मीटर लैंप नंबर 2 का करंट मेजर करेगा। ये देखिए, ये है 220 वोल्ट एसी सिंगल फेस और ये मेन जो हमारा एम्पेयर मीटर है वो सीरीज में अटैच हुआ हुआ है। ये वोल्ट मीटर लैंप नंबर 1 के वोल्टेजेस बताएगा कि लैंप नंबर 1 पर कितने वोल्टेजेस आ रहे हैं और ये वोल्ट मीटर लैंप नंबर 2 के वोल्टेजेस बताएगा कि लैंप नंबर 2 पर कितने वोल्टेजेस आ रहे हैं। ये है लैंप नंबर 1
और ये है लैंप नंबर 2 और ये है हमारा स्विच। चलिए अब इस सर्किट को सिमुलेट करके देखते हैं। ये देखिए इस पूरे सर्किट का लोड 0.2 एम्पेयर है। और इस लैंप का एम्पेयर मीटर ये रहा और ये लैंप 0.1 एम्पेयर ले रहा है। और लैंप नंबर 2 भी 0.1 एम्पेयर ले रहा है, यानी दोनों लैंप फुल लोड पर चल रहे हैं। सीरीज सर्किट में टोटल लोड 0.1 एम्पेयर था और पैरेलल सर्किट में टोटल लोड 0.2 एम्पेयर है। ये सीरीज और पैरेलल सर्किट के रिजल्ट्स हैं। सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होते हैं और एम्पेयर सेम रहता है। पैरेलल सर्किट में वोल्टेज सेम रहते हैं और एम्पेयर डिवाइड होता है। सीरीज सर्किट में जो आपका लोड होगा वो हाफ एफिशिएंसी पर चलेगा, जबकि पैरेलल सर्किट में आपका जो लोड है वो फुल एफिशिएंसी पर चलेगा। सर्किट्स की 3 कंडीशंस होती हैं, क्लोज सर्किट, ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट। क्लोज सर्किट सर्किट की नॉर्मल कंडीशन को कहते हैं, जिस वक्त आपका सर्किट नॉर्मल हालत में काम कर रहा हो। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि स्विच से फेस को कंट्रोल करा जाता है और न्यूट्रल को सॉकेट या होल्डर पर कॉमन करा जाता है। ओपन सर्किट, ओपन सर्किट उस सर्किट को कहते हैं जब किसी सूरत में सर्किट की वायर डिस्कनेक्ट हो जाए या आपकी जो क्वाइल है वो ब्रेक हो जाए तो ओपन सर्किट कहलाएगा। शॉर्ट सर्किट, कॉजेज ऑफ शॉर्ट सर्किट्स, फेज फेज के साथ टकरा जाए, फेज न्यूट्रल के साथ मिल जाए या फेज अर्थ के साथ मिल जाए या फिर एसी वोल्टेजेस डीसी के साथ मिल जाए। ज्यादातर शॉर्ट सर्किट लूज कनेक्शन की वजह से होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, काइंडली लाइक एंड शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।